हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस अमेठी इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द सिस्टमैटिक जुआलॉजी दैट इज़ द जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम एम तो आज इसके इस, इस लेक्चर में फाइलम आर्थोपोडा से संबंधित बात करेंगी आर्थोपोड्स क्या होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है भी बी अस डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स एज द नीम इंडिकेटेड सबसे पहले द डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइलम आर्थोपोडा फाइ फर्स्ट टाइम बाई वान सी बोल्ड फाइलम आर्थोपोडा के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन मैंने व्याख्या किसकी व्याख्या फाइलम आर्थोपोडा की फाइलम आर्थोपोडा के बारे में सबसे पहले व्याख्या किया था किसने वान सी बोल्ड ने सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द फर्स्ट साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइलम आर्थोपोडा दैट वॉज द वन सी बोल्ड तो आज फाइलम आर्थोपोडा के बारे में सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया था जो वर्णन दिया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था वान सी बोल्ड अब देखिए फाइलम आर्थोपोडा आर्थोपोडा दो शब्द से बना है आर्थो बराबर होता है ज्वाइंटेड पोडास बराबर होता है फूट तो आर्थोपोडा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्वाइंटेड फूट तो आर्थो बराबर ज्वाइंटेड पोडास बराबर फूट सो so, आर्थोपोट्स आर नोन एज दो एनिमल इन हुई द ज्वाइंटेड फूट्स आर फाउंड तो आर्थोपोडा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर्थोपोडा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो पैर होते हैं आपस में जुड़े होते हैं सो द ज्वाइंटेड फूड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम आर्थोपोडा सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द ज्वाइंटेड फूड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम आर्थोपोडा आल दोज आर्गेनिजम्स दे हैव टू बी फाउंड इन द फाइलम आर्थोपोडा दे हैव कॉन्टेनिंग द ज्वाइंटेड फूड वह समस्त एनिमल व समस्त ऑर्गेनिजम्स जो फाइलम आर्थोपोडा में पाए जाते हैं उनमें ज्वाइंटेड यानी जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं ये पूछा जाता है कंपटीशन में अब करेक्टर्स की बात करते हैं द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम इज फाउंड इन आल हैबिटाट एनिमल माने जंतु फाइलम माने जान ही रहे हैं फाउंड माने पाए जाते हैं आल माने सभी हैबिटाट माने वास स्थल इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होती हैं इस फाइलम के जितने भी जंतु होते हैं वे सभी तरह वास स्थल में पाए जाते हैं बिटाट माने होता है वास स्थल तो याद रखिएगा इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं वह सभी तरह की वास स्थल में पाए जाती हैं आल हैबिटाट आल माने सभी हैबिटाट माने वास स्थल तो इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होती हैं जितने भी जंतु होते हैं वह सभी तरह की वास स्थल में पाए जाते हैं इट मीन्स जैसे एयर में भी पाए जाते हैं वाटर में भी पाए जाते हैं एंड टेरेस्टियल मन स्थलीय तो इस क्लास के जितने भी एनिमल्स होते हैं वह सभी तरह के स्थल में पाए जाते हैं चाहे वो वायु हो चाहे वो जल हो चाहे वो थल हो जल थल और वायु सभी में पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी माने शरीर इज माने है मेटामेरिक सेगमेंटेड का मतलब समान खंडों में विभक्त होती है बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड इसका मतलब होता है शरीर जो होती है वह समान खंडों में विभक्त होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसीलिए उसको कहा जाता है याद रखिएगा शरीर जो है समान खंडों में विभक्त होती है आगे है नेक्स्ट पॉइंट है समझ रहे हैं सब अगला पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट हम इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द पॉइंट वाइज स्टडी हियर अबाउट द फाइलम आर्थो पोडा नेक्स्ट है बॉडीज मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो गया बाइलेट्रली सिमेट्रिकल बाइलेट्रली बाई होता है दुई लेटरली माने होता है सम्मित पार्सम्मिति लेटरल माने होता है पार्श्व या साइड किनारा सिमेट्रिकल माने सममिति बाइलेट्री सिमेट्रिकल की हिंदी होती है दुई पार्श्व सम्मिति दुई पार्श्व सम्मित क्या होता है बायोलेट्रल सिमेट्री क्या होती है फाइलम आर्थोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं अगर इनकी बॉडी को बीच के हिस्से को सेंट्रल एक्सिस मानते हुए लंबवत काट काटी जाए तो जो दाया दाया पोर्शन होता है वो एग्जैक्टली बाया पोर्शन के बराबर होता है उसी को बायोलैटलीस्ट सिमेट्रिकल कहते हैं ठीक है, है? हिंदी में दुई पार्श सम्मित यानी बाया पक्ष हमेशा दाया पक्ष के बराबर होगा सीलोम वास्तविक गुहा पाई जाती है उस वास्तविक गुहा का जो नेचर है वो साइजोशीलस है यानी जो गुहा होती है वो साइजोशीलस होती है साइजोशीलस गुहा मतलब आप जानते ही हैं गुहा दो तरह की होती है इंट्रोसीलस और साइजोसीलस तो फाइलम ऑफ आर्थोपोडा में जो सीलोम है वो साइजोसीलस है एनिडेटा में भी साइजोसीलस ही होता है कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा द काइंड ऑफ सीलोम दैट इज फाउंड इन द फाइलम ऑफ आर्थोपोडा दैन द काइंड ऑफ द सीलोम दैट इज फाउंड फाउंड इन द फाइलम आर्थोपोडा दैट इज द साइजोसीलस आगे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट है ट्रिपलो होते हैं ट्रिपलोब्लास्टिक इट मीन्स द बॉडी इज मेडअप ऑफ थ्री जर्म लेयर शरीर जो है तीन स्तरों से मिलकर बनी होती है एक टू डर्म इंडोडर्म और मीजूडर्म आर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर्गन माने अंग सिस्टम माने तंत्र ग्रेड माने स्तर बॉडी माने शरीर ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन इनके शरीर का जो संगठन होता है अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है या दूसरे शब्दों में कहेंगे अंग तंत्र स्तर का शरीर का संगठन पाया जाता है बॉडी हार्ड होती है शरीर जो होती है हार्ड माने सख्त होती है क्यूटिकल इज मेडअप ऑफ काइटिन क्यूटिकल जो बाहर की लेयर होती है क्यूटिकल कहते हैं काइटिन से बनी होती है जो कि एक पॉलीसैक्राइट है काइटिन लाइक -like सब्सटेंस यानी काइटिन जैसे पदार्थ से बनी होती है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी जो होती है क्यूट बॉडी जो है हार्ड होती है क्यूटिकल जो है काइटिन जैसे पदार्थों से बनी होती है इट मीन्स इसका मतलब है दैट दे हैव काइटिनस इक जो स्केलेटन जिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम आर्थोपोडा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं याद रखिएगा वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द सिंगल सिंगल इंडिविजुअल वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड इन द फाइलम आर्थोपोडा हम उस समस्त ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो फाइलम आर्थोपोटा में पाए जाते हैं तो जो बॉडी होती है इनकी वो कबर्ड होती है काइटिनस एग्जो स्केलेटन की बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है आर्थोपोट्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से ढकी होती है और क्यूटिकल जो होता है वो काइटिन जैसे पदार्थों से काइटिन जैसे पदार्थों से ढका होता है यानी काइटिनस एग्जो स्केलेटन होता है काइटिनस का मतलब होता है मेटअप ऑफ काइटिन दैट इज द पॉली साइक्राइट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड शरीर विभक्त होती है हेड माने सिर में थोरेक्स माने बक्श में एंड एपडोम माने उदर में इन सब एनिमल माने कुछ जंतुओं में हेड एंड थोरेक्स आर ज्वाइंटेड टुगेदर कुछ जंतुओं में क्या होता है हेड माने सिर थोरिक्स माने बक्श आर ज्वाइंटेड माने जुड़ जाते हैं टुगेदर माने साथ साथ बना लेते हैं सिफाइलोथोरिक्स तो कुछ ऑर्गेनिजम में क्या होता है कि सिर और बक्श आपस में जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं सिफाइलोथोरिक्स अगर सिफाइलोथोरिक्स को हम डिवाइड करें तो सिफाइलो फॉर हेड एंड थोरिक्स मीन्स बक्श सिर और बक्श दोनों को मिला करके बना लेते हैं सिफाइलोथोरिक्स कुछ ऑर्गेनिजम पहली बात तो बॉडी जो होती है हेड थोरिक्स और एबडामिन में डिवाइड होती है लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें हेड और थोरिक्स यानी सिर और बक्श आपस में जुड़ जाते हैं तो टुगेदर माने साथ साथ और एक संरचना बना लेते हैं या एक शब्द बन एक संरचना बन जाती है उसको हम कहते हैं सिफाइलोथोरिक्स सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड थोरिक्स एंडिनेस बट इन सम केसेस द हेड एंड थोरिक्स दे आर ऑफ इन ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्मिंग द सिफाइलोथोरिक्स बॉडी कैबिटी इज नोन एज हीमोशील शरीर की जो कैबिटी होती है उसको हीमोशील के नाम से जाना जाता है इट इज फील्ड माने यह भरी होती है विथ कलरलेस फ्लूड शरीर की गुहा का नाम है हीमोशील या भरी होती है कलरलेस फ्लूड से या भरी होती है एक रंगहीन द्रव्य से जिसका नाम है हीमोलिम्फ तो शरीर की गुहा का नाम है हीमोशील या भरी होती है रंगहीन द्रव्य से जिसका नाम है हीमोलिम्फ अथवा उसको हीमोशील कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कंप्लीट होता है एंड एडाप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग पाचन तंत्र जो होता है कंप्लीट माने पूरा होता है एंड एडाप्टेड माने अनुकूलित होता है किसके लिए फार माने के लिए बैरियस माने विभिन्न मूड माने तरीका फीडिंग माने भक्षण करने का पाचन तंत्र पूरा होता है और यह भक्षण करने के लिए विभिन्न तरीकों के लिए अनुकूलित होता है पाचन तंत्र कंप्लीट होता है और यह फीडिंग करने के लिए यानी भक्षण करने के लिए फीडिंग करने के लिए विभिन्न तरीके से अनुकूलित होता है और पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन माने खुला टाइप माने प्रकार सर्कुलेटरी माने संवहन सिस्टम माने तंत्र खुले प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है इज फाउंड इन द आर्थोपोडा खुले प्रकार का जो संवहन तंत्र होता है वो फाइलम आर्थोपोडा में पाया जाता है रिस्पायरेशन बाया बैरियस बीज श्वसन जो होता है बाया माने होता है तरीका श्वसन जो है कई तरीके से होता है बैरियस बेज माने विभिन्न तरीके से होता है एज लाइक माने जैसे श्वसन जो है विभिन्न तरीके से होता है जैसे क्या है जनरल बॉडी सरफेस जनरल बॉडी सरफेस का मतलब होता है सामान्य शरीर की सतह जनरल माने होता है सामान्य बॉडी माने शरीर सरफेस माने सतह अथवा गिल से होता है अथवा ट्रैकिया से होता है इसको बिंड पाइप भी कहते हैं अथवा बुकलंग से होता है अथवा बुक गिल से होता है अगला है एक्सक्रीटरी सिस्ट आर्गन्स जो उत्सर्जी अंग होते हैं इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं मेलपिगियन टिब्यूल पाई जाती हैं एंड इन सम और कुछ केसेस में बाया द एंटीनरी ग्लैंडस तो तीन चीज याद रखिएगा जो उत्सर्जी अंग होते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन्स के अंतर्गत क्या होते हैं ग्रीन ग्लैंड मेलपिगियन टिब्यूल एंड इन सम कुछ आर्गनजे में बाया द एंटीनरी ग्लैंड ठीक है

क्या होते हैं नर्वस सिस्टम इज कम्पोजिड ऑफ माने मिलकर बना होता है किससे नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है किससे नर्व रिंग से नर्व माने होता है नाड़ी रिंग माने होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो जो नर्वस सिस्टम होता है नर्व रिंग से बना होता है डारसल बेंटल नर्व कार्ड पाई जाती है डारसल माने पिस्ट बेंटल माने अधर नर्व माने नाडी कार्ड माने डोरी या रस्सी तो डारसल बेंटल नर्व कार्ड पाई जाती है सेंस आर्गन इनक्लूड्स संविधि अंग के अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं एंटीना पाए जाते हैं सिंपल आइज पाई जाती है एंड कंपाउंड आइज ई ये सब पाए जाते हैं ठीक है आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट है इसमें यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल डायमार्फिज़ बेल बेलमार्ग ठीक है यूनिसेक्सुअल होते हैं यूनि माने सिंगल एक लिंगी होते हैं सेक्सुअल डाय माने होता है लैंगिक द्विरूपता बेल माने बहुत अच्छे ढंग से मार्क माने चिन्हित होती है लैंगिक द्विरूपता एकदम चिन्हित होती है लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है मेल एंड फीमेल नर और मादा जो होते हैं कैन बी आइडेंटिफाइड मेल और फीमेल यानी नर और मादा को कैन माने सकना आइडेंटिफाइड माने पहचानना नर और मादा को पहचाना जा सकता है बाया माने बाया ऑब्जर्विंग द एक्सटर्नल मार्कोलॉजी लै यूनिसेक्सुअल होते हैं एक लिंगी होती हैं लैंगिक द्विरूपता एकदम से अस्पष्ट होती है लैंगिक द्विरूपता लैंगिक द्विरूपता अस्पष्ट होती है नर और मादा को एक दूसरे को पहचाना जा सकता है बहुत सारे बाह्य लक्षणों को देख कर के ठीक है इसका मतलब है कि बहुत सारे बाह्य लक्षणों को देख करके बाहर के करेक्टर्स को देख कर की, बाहर के लक्षणों को देख कर के यह पहचाना जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म तो मेल है और कौन सा ऑर्गेनिज्म फीमेल है मोस्टली ओ पेरस होते हैं ज़्यादातर एग लेंग होते हैं अंडे देने वाले होते हैं एंड सम बीबी पेरस और कुछ बच्चे देने वाले भी होते हैं ठीक है जैसे आपका है इस्कॉपियन आई लाइक स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन है ये बीबी पेरस है एस सी ओ आर पी आई एन ये जो है स्कॉर्पियन गिविंग द लिविंग यंग वंस इसके बाद देखिए इतने हो गए अगला करेक्टर्स क्या है डेवलपमेंट डायरेक्ट विकास सीधा होता है इनडायरेक्ट भी होता है कुछ ऑर्गेनिजम से जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है तो डेवलपमेंट क्या होता है तो डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट इन सम केसेस कुछ में जो है इनडायरेक्ट भी होता है इन इन सम केसेस पार्थिनोजेनेसिस आलसो आकर्स पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है आप जानते ही हैं पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट तो डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट माने होता है जो सीधा ना हो डायरेक्ट का मतलब देर विल बी नो लार्वल स्टेज इनडायरेक्ट का मतलब होता है इफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइफ साइकिल इफ द लार्वल स्टेज इज फाउंड देन सच काइंड ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर लार्वल प्रवस्था पाई जाती है तो इनडायरेक्ट और लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है जीवन काल में तो वो कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट अगर लार्वल अवस्था है तो इनडायरेक्ट और लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट सम केसेस माने कुछ मामलों में पार्थिनोजेनेसिस आलसू आकर्ष पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब जो इन सम केस पार्थिनोजेनेसिस बिफोर फर्टिलाइजेशन जो होते हैं बिना स्पर्म के फ्यूज हुए जब एक जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं डेवलपमेंट हो जाता है उससे नए अंगवंश बन जाते हैं तो उसको कहते हैं पार्थिनोजेनसिस आर्थोपोर्ट्स सेड आर्थोपोर्ट्स सेड माने गिराना निर्मोचन करना दियर काइटिनस कवरिंग बाई मोल्टिंग जितने भी आर्थोपोर्ट्स होते हैं अपने काइटिन काइटिन युक्त कवर को काइटिन युक्त खोल को मोल्टिंग यानी त्वक निर्मोचन के द्वारा गिरा देते हैं इस प्रोसेस को एक कहते हैं दिस इज दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगॉर्डिंग दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जनरल करेक्टर्स ऑफ द फाइल ऑफ आर्थो पोडा इसके बाद हम बात करेंगी नेक्स्ट इसके क्लासीफिकेशन की बात करेंगी वी हैव टू डि अबाउट द जनरल करेक्टर्स ऑफ द फाइल आर्थो पोडा दिज आर दैरियस करेक्टर्स विच वी हैव टू बी डिस्कस टू डे दैट इज रिगॉर्डिंग टू द जनरल करेक्टर ऑफ द फाइल आर्थो पोडा नाउ लेटस बी डिस्कस अबाउट दियर क्लासीफिकेशन सो वी हैव टू डिस्कस क्लासीफिकेशन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका क्लासीफिकेशन क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट मिलना है तो आप याद रखिएगा बनाइएगा लेक्चर को पढ़िएगा एक नंबर किसी भी कॉम्पिटिशन में एक श्योर है सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू watching the video, liking the video, and sharing the video, thank you, thank you, thank you.